वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं छा जाते हैं। चलो मित्रों, डिस्कस कर रहे थे हम लोग। क्या डिस्कशन कर रहे थे बताओ ना मुझे। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे काहे का, सॉल्व एग्जाम्पल का। आज का दिन सही में इतना अच्छा है कि आज के दिन मेरा चैप्टर तो खत्म हो ही रहा है, यानी मेरे तरफ से, और आपने भी आपका काम ऑलमोस्ट कर दिया। बस मिसलेनियस सॉल्व करना बाकी है। सॉल्व एग्जाम्पल की डिफिकल्टीज मैं अभी ले लेता हूं बाकायदा, ठीक है? तो बात करते क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर सिक्स, पेज नंबर 9, ठीक है? क्या बोला हुआ है क्या नहीं देख लेते हैं। तो बात ऐसी है, कैसी है? ऐसी है, फाइंड ट्रू डिस्काउंट, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, अ बिल ऑफ 18,000। बिल कितने का है रे? 18,000। बताओ तो फिर मैं गिवन क्या लिखूं? कोई बात नहीं कर रहा, निधि अग्रवाल, मोहित पालीवाल, दर्शन डागा, प्रथमेश करांगड़े, बोलो ना, कुछ तो बड़बड़ करते रहो। हाँ देखो, ऐसा टीचर मिलेगा आपको जो खुद बोल रहा बड़बड़ करो बड़बड़ करो, है ना? बाकी सारे टीचर तो यही बोलते कि चुप बैठो। अकेला ऐसा बंदा हूं मैं, है ना, जो खुद होके बोलता बड़बड़ करो। और दूसरी ओर एक खास बात, मैं कभी मेरी तारीफ नहीं करता। हाँ हाँ गिवन, बराबर बोला ना मैंने कि कुछ गलत बोल दिया? एकदम बराबर बोला। मेरे को मालूम है मैं कभी गलत बोलता ही नहीं हूं, आज तक का रिकॉर्ड है। हाँ अब ध्यान दीजिए। गिवन बिल ऑफ 18,000, फेस वैल्यू कितनी दिया हुआ है बिल की? 18,000। सही है गलत है बोलो रे? सही है। डिस्काउंटेड फॉर, जैसे ही बोला डिस्काउंटेड फॉर तो मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, मुझे समझ में आ गया कि ये 17,568 जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है? कैश वैल्यू दिया हुआ है। सही है गलत है बोलो रे? अच्छा अब जब ये दोनों वैल्यू दिए हैं तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या, बैंकर गेन इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस, सॉरी बैंकर गेन नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं, बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू लिख सकता हूं क्या? ऐसा कोई फार्मूला है क्या रे? ऐसा फार्मूला है, फेस वैल्यू है 18,000, कैश वैल्यू है 17,568। कितना आ रहा है बोलो ना कोमल ताई, आवाज नहीं आ रही बराबर, है ना? 432, यहां पे भी देख लिया मैंने, आपने जल्दी बोला नहीं तो फिर। हाँ 432 रुपए का बैंकर डिस्काउंट, ठीक है? अब आप ही मुझे सांगा, यू जस्ट टेल मी, बैंकर डिस्काउंट का और कोई फार्मूला है क्या रे? फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, है कि नहीं है बोलो ना? फेस वैल्यू तो हमारे पास में है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में है क्या दिया हुआ है क्या क्वेश्चन ने? हाँ 12% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। सही है गलत है? सही है बोलो, अरे बोलो ना, सही है, एकदम सही है। अच्छा अब आगे देखते हैं, पीरियड ऑफ बिल दिया हुआ है क्या कुछ? पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग दिया हुआ है क्या?
अरे बोलो ना। अच्छा, लीगल डेट निकालने के लिए बोला हुआ है, तो पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग कैसा दिया हुआ रहेगा, यानी ये एन तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया मेरे ध्यान में क्वेश्चन। तो अब बैंकर डिस्काउंट है 432 रुपए, फेस वैल्यू 18,000 रुपया मालूम है, एन हमको दिया नहीं है, इनफैक्ट एन तो हमको निकालने का है। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? अरे बोलो ना, आवाज आ रही मेरी कि नहीं आ रही है? हाँ, डिवाइडेड बाय शंभर, तो ये 2 0 खत्म, 2 0 खत्म। और अब आप ही बताओ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी। एन इज इक्वल्स टू 432 डिवाइडेड बाय 180, 180 इंटू 12 ईयर, ये एन ईयर में आते रहता, मैं एन को डेज में कन्वर्ट कर देता। 432 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 12 इंटू 365, अब करो रे डिवाइड, कितना आ रहा है इसका आंसर बताओ मुझे। 73 days। अब आप ही मुझे बताओ सारे लोग, ये इस दिन ये है डेट ऑफ ड्रॉइंग, है ना, डेट ऑफ ड्रॉइंग। इसके बाद में ये आ गया, ये डेट ऑफ ड्रॉइंग, यानी मैं लिख देता हूं DOD, डेट ऑफ ड्रॉइंग। ये है नॉमिनल ड्यू डेट, ये है लीगल ड्यू डेट, ठीक है, इसको बोल देते डिस्काउंटिंग की डेट, डिस्काउंटिंग की डेट। बताओ बिल 18,000 का डिस्काउंट किया था, कब डिस्काउंट किया रे, 25 अक्टूबर 2017 को डिस्काउंट किया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, बैंकर जो डिस्काउंट लेते रहता वो कौन से डेट से लेके कौन से डेट का लेते रहता, जिस दिन डिस्काउंटिंग किया वहां से लेके तो लीगल ड्यू डेट तक का। सही है गलत है बताओ, हर्ष लाठिया, आदित्य इसाल, अथर्व बोरेकर, बताओ जल्दी, है ना, सही है ना। हर्ष लाठिया क्लास में है कि नहीं है? हाँ चलो, 73 days की बात कर रहे थे हम लोग ये, तो अब आप 73 days से लीगल ड्यू डेट, हमको निकालना क्या है, लीगल ड्यू डेट ही निकालने का है, यानी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, फिर ज्यादा टफ नहीं है, है ना। अगर डेट ऑफ ड्राइंग निकालने के लिए बोलते थे वगैरह तो फिर ज्यादा टफ रहता था, बट ये तो बहुत आसान है। अब आप 73 days काउंट करो, 25 अक्टूबर से आगे जाना है 73 days तक, तो बताओ अक्टूबर के कितने कंसीडर करूं मैं, अक्टूबर 31 माइनस 25 6 days, हाँ नवंबर के कितने कंसीडर करूं, 30, दिसंबर के 31, हाँ जनवरी के बताओ, 73 खत्म हो रहे क्या, अच्छा 6 6 ना, अरे हाँ सही सही बोला आपने, सही बोला, एकदम सही बोला। देयर फोर लीगल ड्यू डेट इज 6 जान 2018, 6ठी जान, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं। तो खुशल गगलानी, लच्छा कोठारी, बोलो ना, पुनीत अरोरा, रिद्धि ताई, सुजाता, श्रद्धेश, अंशुमन देशमुख, अरे बोलो रे, ये किसको डाउट था इस क्वेश्चन में, समझ में आया क्या उसको, अरे बोलो रे, जिसको भी डाउट था ध्यान में आया क्या, चलो बहुत बढ़िया। अब ये देखो, ये आप बाद में लिख लेना ये सारे क्वेश्चन, मैं आगे बढ़ता हूं अब, ठीक है ना। एक अरे बोलो, मैं आगे बढ़ू ना, हाँ एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 कैसा
पेज नंबर 9। बोलो रे, 7 में भी डाउट था ना, बोलते भी नहीं। हाँ, क्या नाराजी है मेरे साथ में सब बच्चों की, मालूम नहीं। मैं चिल्लाते रहता हूं, कोई मेरे से बात भी नहीं करता। जमाना खराब है, सही है ना? अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? चलो मित्रों, तो आप मुझे सांगा, यू जस्ट टेल मी। तो मैं क्या बड़बड़ कर रहा था रे? मैं बड़बड़ कर रहा था एग्जाम्पल नंबर 7। अबिल, ये बिल, आ आ आ, ये बिल। हाँ अच्छा, बिल है कितने का है? फेस वैल्यू बताओ रे। 29,200। लिखू कि नहीं लिखू? लिखो ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। बिल 29,200 का, ड्रॉन ऑन यानी डेट ऑफ ड्रॉइंग। डेट ऑफ ड्रॉइंग कितनी है रे इसकी? 15 जून 2021। नहीं, ईयर दिया ही नहीं है, मैं 15 जून ही लिखता हूं सिर्फ। 15 जून डेट ऑफ ड्रॉइंग बोला हुआ है। फॉर 6 मंथ पीरियड ऑफ बिल कितना है रे? 6 महीने, 6 मंथ्स। यानी आप ही बताओ, नॉमिनल ड्यू डेट, सांगा रे नॉमिनल ड्यू डेट। हा, 15 दिसंबर, बराबर लिखा कि गलत लिखा मैंने? और लीगल ड्यू डेट बताओ, 18 दिसंबर। ये सारा किस्सा है। फेस वैल्यू जो बिल की है 29,200 है, ड्रॉन ऑन 15 जून, वॉज डिस्काउंटेड, इसको डिस्काउंट कर लिया तो 28,000 रुपया क्या है बताओ? 28,960 कैश वैल्यू। अबे बोलो ना रे, निकिता करसाडे, सिद्धि सोड़ंके, मनस्वी मुडवैक, ज्ञानेश्वरी, देवांश भंसाली, गौरी बंग, बोलो ना, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? हाँ चलो, अब अनुज निमकर, आयुष पाटिल, प्रथम लड्ढा, तो ये 28,960 ये आ गई हमारी कैश वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5% पर एनम। अब आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ कौन से दिन, ऑन विच डे बिल वॉज डिस्काउंटेड, कौन से दिन बिल का डिस्काउंटिंग हुआ था, ये निकालने के लिए बताया हुआ है। मुझे जो निकालना है वो तो हम डायग्राम में निकालेंगे, लेकिन मुझे अभी इतना समझ में आ रहा कि फेस वैल्यू और कैश वैल्यू अगर दोनों दिए हुए हैं तो मैं, हाँ, बैंकर डिस्काउंट निकाल सकता हूं, इतना मेरे ध्यान में आ रहा, तो मैं उतना पहले निकाल देता हूं। बताओ सही है गलत है? फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू, फेस वैल्यू 29,200, कैश वैल्यू 28,960। बताओ रे कितना आ गया बैंकर डिस्काउंट? 240 रुपए। वेरी गुड, अल्टीमेट झकास, फर्स्ट क्लास, एक नंबर, टकाटक। अब जिस मोमेंट पे बैंकर डिस्काउंट दिख रहा है ना, तो मेरे दिमाग में खलबली मच रही है ना? बैंकर डिस्काउंट का मेरे को और एक फार्मूला याद आ रहा है। बताओ बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला क्या है? फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100। सही है गलत है? बोलो रे। बैंकर डिस्काउंट 240 है, फेस वैल्यू मेरे को दिया हुआ था 29,200। एम पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग मालूम ही नहीं हमको, ये तो निकालना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है ना, बैंकर डिस्काउंट में जो एन रहता उसका मतलब क्या रहता है, पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग, हाँ या ना? हाँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% डिवाइडेड बाय शंभर, जो जो कैंसल होता है उसको कैंसल कर दो, 5 × 5 240 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता, 5 × 20 5 × 8 = 40। अबे बोलो ना। हाँ, मंजे मंजे वाघाचे पंजे, कुत्र्याचे कान, उंटाची मान। हाँ, 48 डिवाइडेड बाय 292 इंटू 365 डेज करूँ क्या? डायरेक्ट 365 मल्टीप्लाई किया मैंने, कोई दिक्कत है क्या? तो बताओ फिर, एन का आप कैलकुलेशन आप ही को करके बताने का है, कितना आ रहा? हाँ अरे बाबा, ऐसे बदमाश बच्चे हैं, मेरे से इतनी सी गलती हो गई तो ऐसा आ जाते, बस आंग पे आना बाकी रहते, यानी मेरे को तो इतना डर लगता कि एक आधे बार स्क्रीन में से आना जावे मेरे आंग पे। हाँ, वेदिका करवा, जिया राजा, पायल जोशी, अरे बोलो ना रे, सिद्धि सोड़ंके, कोई जवाब देता नहीं मेरे को, कोई मेरी सुनता नहीं। हाँ, अरे निकाल रहा ना बाबा, निकाल रहा दो। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं ना, अपन सब देख लेते, तू फिकर मत कर। अब बताओ ये कौन सी डेट है, डेट ऑफ ड्रॉइंग, डीओडी कर देता हूं मैं, डीओडी, ये कौन सी डेट है, लीगल ड्यू डेट। हाँ, ये कौन सी डेट है, मुझे क्या निकालने के लिए बताया, ऑन विच डे बिल वॉज डिस्काउंटेड, ठीक है, ये है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, ठीक है, ये सारा माजला है। अब बात है, बिल आपने ड्रॉ किया हुआ था, कौन से डेट को ड्रॉ किया हुआ था रे, 15 जून, ठीक है ना, हाँ या ना? नॉमिनल ड्यू डेट कब की है, 15 दिसंबर, सही है गलत है? लीगल ड्यू डेट 18 दिसंबर। हाँ, अब लीगल ड्यू डेट से लेके तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग तक आने का है, अब बैंकर ने डिस्काउंट किया बिल को, तो ये 60 दिन का उसने ब्याज लिया, 60 दिन का ब्याज लिया, यानी क्या है ये, यानी डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट के बीच में का डिफरेंस 60 दिन है, हाँ या ना? हाँ, अब ये 60 दिन पीछे जाने का है हमको, बताओ दिसंबर के कितने दिन आ गए, 18, है ना, पीछे जा रहे अपन, लीगल ड्यू डेट से पीछे जा रहे। हाँ, अब दिसंबर के 18, नवंबर के कितने आ गए, 30, अक्टूबर के कितने आ जाएंगे, आप ही बताओ कैलकुल, हाँ 12, है ना, 12 दिन पीछे आएंगे, यानी अक्टूबर की कौन सी तारीख लेंगे, 18 तारीख, लेकिन यहां हमने 18 तारीख कंसीडर कर लिया है, तो अक्टूबर की आपको 18 तारीख छोड़ देना पड़ेगा, यानी मैं 19 तारीख लूंगा, सही है गलत है, है ना, या तो मैं दिसंबर को की 18 तारीख कंसीडर न करते हुए 17 दिन पकड़ता, फिर यहां की लास्ट डेट जो भी आएगी वो पकड़ सकेंगे हम लोग, समझा क्या, है ना, तो अक्टूबर का 19th, यानी डेट ऑफ डिस्काउंटिंग जो हमारी है वो है 19 अक्टूबर, है ना, 19-10 लिख देता हूं मैं, अक्टूबर नहीं लिखता हूं, 10, नहीं समझा,
सुजल ए सूरज। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, 19 कैसे आया नहीं समझा। अब मेरी बात सुनो, सारे लोग म्यूट कर लो। ये लीगल ड्यू डेट के कितने दिन है, दिसंबर के कितने दिन है? 18, हाँ या ना? अच्छा, अब हमको एक मालूम है, एक तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कंसीडर करेंगे या तो लीगल ड्यू डेट कंसीडर करेंगे इस 60 दिनों में, है ना? तो मैं यहां की लीगल ड्यू डेट यानी 18 तारीख को छोड़ दे रहा हूं, तो इसकी जो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग रहेगी वो कंसीडर करूंगा या नहीं करूंगा? करूंगा, सही है ना? या 18 दिन हैं लेकिन 18 तारीख छोड़ रहा हूं, तो दिसंबर के 17 दिन रहेंगे या नहीं रहेंगे? सूरज, सूरज नारोलकर, हाँ, नवंबर के 30 रहेंगे या नहीं रहेंगे, है ना? अब टोटल 60 दिन चाहिए, तो ये कितने दिन हो गए? 47 हो गए, बोलो, है ना? 47 हो गए। अक्टूबर के कितने दिन रहते? अक्टूबर के अंदर 31 दिन रहते, है ना? एक मिनट, 60 माइनस 47 यानी 13 दिन मेरे को पीछे जाने का है। अक्टूबर में 31 दिन रहते, 31 माइनस 13 18, 18 ही तारीख सही है, 18 ही तारीख सही है। मैं वापस से देखता हूं क्या चीज है, मैं वापस से बताता हूं। हाँ, 18 तारीख आनी चाहिए आइडियली। अब हम वापस और एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैंने देखो यहां पे क्या किया है, मैं दोनों में से एक दिन पकड़ सकता हूं, एक तो 18 पकड़ूंगा या तो मैं यहां पे 18 दिन ले लेता हूं। एक मिनट का समय दीजिए मुझे, एक मिनट का। चलो मित्रों, इसका कैलकुलेशन वापस से एक बार अच्छे से कर लेते हैं। 60 दिन पीछे जाना है मुझे, कहां से 60 दिन पीछे जाने का है? 18 दिसंबर से 60 दिन पीछे जाना है, ठीक है? हमेशा एक बात ध्यान रख लेना, एक तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कंसीडर कर, नहीं आ रही मेरी? हेलो, हाँ आवाज आ रही है ना? चलो तो मैं, हाँ मित्रों, हम जो डिस्कशन कर रहे थे, एक छोटे से चीज पे बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने। ये कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है, ये सिर्फ बस नॉर्मल चीज है, बट इसमें हमारा समय अच्छा खासा चले गया। खैर, अब हमें लीगल ड्यू डेट यानी कि 18 दिसंबर से 60 दिन पीछे आना है, तब जाके डेट ऑफ डिस्काउंटिंग मिल जाएगा। और हमें डेट ऑफ डिस्काउंटिंग निकालने के लिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने बोला हुआ है, बताओ ऑन विच डे बिल वॉज डिस्काउंटेड, तो 19 तारीख आना चाहिए। मैं वैसे तो हमने निकाल लिया, लेकिन फिर भी मैं निकाल के बता देता हूं। अब आप ही बताओ, हम दोनों तरीके से निकालेंगे, एक बार पीछे से इधर आएंगे और एक बार सामने से पीछे जाएंगे। तो पहले हम 18 दिसंबर से पीछे आते हैं, तो बात बताओ दिसंबर के कितने दिन कंसीडर करेंगे, बोलो रे? दिसंबर के 18 दिन कंसीडर कर रहे, तो ध्यान रखना 18 को कंसीडर कर लिया आपने, ठीक है? नवंबर के 30 दिन, है ना? और अक्टूबर के, देखो 60 दिन हैं आपके पास में, 60 दिन में से 48 डेज चले गए, यानी 12 दिन है आपके पास में अब, ठीक है? 12 दिन हैं, तो अब आप ही मुझे बताओ, 12 दिन, अक्टूबर का महीना 31 का, 31 में से 12 जाएंगे, तो अक्टूबर की कौन सी डेट आ जाएगी? 19 तारीख आ जाएगी, ठीक है? अब फिर भी हम इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, भाई दिमाग में जब ऐसा
आ जाता है ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसके लिए वापस से सामने से जाते हैं। अक्टूबर के हम लोगों ने अक्टूबर की 19 तारीख लिया हुआ है, ठीक है ना। अब अक्टूबर की 19 तारीख लिया हुआ है तो अब आप मुझे बताओ अक्टूबर के नंबर ऑफ डेज कितने कंसीडर करेंगे। 31 महीने का है, 31 दिनों का महीना है अक्टूबर, उसमें से 19 को कंसीडर कर लो, 19 को कंसीडर कर लेते हैं तो 31 माइनस 19 कितना दिन आ गया, 12 दिन आ गए अक्टूबर के। सही है गलत है बोलो रे, सही है। नवंबर के 30 दिन आ गए, ठीक है। अब बारी है दिसंबर की, ठीक है। 60 दिन में से 42 दिन चले गए तो दिसंबर का कौन सा दिन आ जाएगा, 18 दिसंबर। समझा कि नहीं समझा बोलो, है ना। ये दो, हाँ अक्टूबर में 19 तारीख मैं कंसीडर कर रहा हूं, नहीं देखो 19, एक मिनट गुंजन रुक जाओ बेटा एक मिनट। चलो यहां पे हम लोगों ने ये खत्म कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 7 आंसर आ गया हमारा, लिखना पड़ेगा ना हमको, लिखा ही नहीं हमने। देयरफोर क्या निकालने के लिए बोला हुआ था, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इज कौन सा डेट है, 19 अक्टूबर। सही है गलत है, अरे बोलो ना सही है गलत है, सही है सही है। चलो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। अब आगे डिस्कशन करते हुए 8वें नंबर का क्वेश्चन, बोलो रे 8वें नंबर का क्वेश्चन पेज नंबर, अबे बोलो ना बे पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 9। हाँ चलो मुझे पढ़ना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और सॉल्व भी करना पड़ेगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट एंड बैंकर गेन ऑन अ बुक ऑफ रुपीज 64,800। तो बताए रे भाई ये 64,800 का बिल है, क्या लिखूं मैं, कुछ भी लिखो एक ही बात है, फेस वैल्यू भी एक ही है, सम ड्यू भी एक ही है, बिल बोला करके हम फेस वैल्यू लिख लेते हैं बाकी चलेगा कुछ भी लिखा तो। हाँ फेस वैल्यू इज इक्वल टू 64,800, सही है गलत है बोलो रे, सही है। हाँ फेस वैल्यू 64,800, फाइंड ट्रू डिस्काउंट बैंकर गेन ऑन बिल, फेस वैल्यू 64,800 है। ड्यू 3 मंथ हेंस यानी एन की वैल्यू है 3 महीने की, हेंस डिस्काउंटेड इसको हमने, अच्छा ये एन यानी क्या है, पीरियड ऑफ बिल, हाँ या ना, हाँ अच्छा अच्छा इसको डिस्काउंट कर दिया है ना। अब हो सकता है जिस दिन बिल इशू किया उसी दिन डिस्काउंट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है या ये भी हो सकता है किसी दूसरे दिन डिस्काउंट किया, हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। तो हेंस 3 मंथ हेंस डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो रे कितना है, 5% पर एनम, ठीक है। डिस्कस करते कैसा सॉल्व करने का देखते। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, कुछ बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला मालूम है क्या आपको, बताओ ना मुझे। फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, हाँ या ना बोलो ना, हाँ
बाकी तो कुछ दिया हुआ है भी नहीं मेरे पास में, बस इतना ही है मेरे पास में। अब आप ही बताओ, फेस वैल्यू 64,800 मुझे दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर, हाँ 3 मंथ यानी 3/12 लिख देता हूं मैं, नहीं तो यहां कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम डिवाइडेड बाय 100। सही है गलत है? सही है। बताओ कितना आ रहा कैलकुलेशन, 3 चौक 12 और ये 648 को जाता क्या 4 से डिवीजन? बता कितना आता, 4 × 4 = 24, 4 × 2 = 8, 810। बैंकर डिस्काउंट आ गया हमारा 810। अब बैंकर डिस्काउंट का हमारे पास में और एक फार्मूला है, बताओ बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला कौन सा है हमारे पास में? बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट प्लस बैंकर गेन। अरे बोलो ना, हाँ ट्रू डिस्काउंट जो सही मायने में ब्याज है, उस ब्याज में बैंक वाले का फायदा ऐड कर दो तो बैंकर डिस्काउंट निकल जाता। अब आप ही मुझे बताओ, यू जस्ट टेल मी ट्रू डिस्काउंट, बैंकर गेन का फार्मूला क्या है रे? बैंकर गेन का फार्मूला है इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, यानी ट्रू डिस्काउंट इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100। सही है ना? अबे बोलो ना, सही है क्या? हाँ, डालो सारे वैल्यूज, 810 आ गया हमारा बैंकर डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट हमको पता नहीं है, ट्रू डिस्काउंट इंटू नंबर ऑफ ईयर 3 मंथ यानी मैं 3/12, सही बोला आपने, इंटू 3/12, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ था रे हमारा, कितना था 5% डिवाइडेड बाई 100। अच्छा अब कोई तो भी एक ताई बोलती थी हमको, सर कॉमन लेके सॉल्व करके बताओ, तो ये ट्रू डिस्काउंट कॉमन ले लिया मैंने, 1+ यहां पे आ गया ये 5/15 है ना, ये सॉरी 5/15 भी नहीं, मैं क्या करता हूं, ये 3 से डिवाइड कर दिया तो यहां पे आ गया 4, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा, और यहां 5 से डिवाइड करके यहां पे आ गया 20 है ना, और 4 से नहीं गलत कर रहा हूं मैं, बस हाँ। अब ये आ गया, ट्रू डिस्काउंट कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया 20 चौक 80। सही है गलत है बोलो रे? सही है, 810 इज इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट इंटू करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 81/80। सही है, ये निकाल के यहां पे आ गया क्या आ गया 10, अल्टीमेटली देयर फोर ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 800। हाँ तो अब हमको क्या निकालने के लिए बोला था, ट्रू डिस्काउंट बैंकर डिस्काउंट तो निकल गया, बैंकर गेन, बैंकर गेन का फार्मूला बताओ, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, सही है गलत है? बैंकर डिस्काउंट 810, ट्रू डिस्काउंट 800 यानी 10 रुपए का बैंकर गेन। अब आप बताओ मुझे सारी बातें, देयरफॉर बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल्स टू रुपीज 810, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू रुपीज 800 एंड बैंकर्स गेन, बैंक वाले का फायदा ₹10, बैंकर्स गेन ₹10। अबे बोलो रे सही है क्या? इसी के साथ में हमारा ये प्रॉब्लम खत्म, 8वां क्वेश्चन संपला।
अरे बोलो ना, हाँ या ना, मैं बढ़ू क्या आगे? ओके, एक ज्यादा फास्ट हो रहा क्या रे? ज्यादा बातें मैं ज्यादा फास्ट सॉल्व कर रहा हूं क्या? सब ओके है ना बराबर? पेज नंबर 10 सॉल्व्ड एग्जांपल है ना, 90 नंबर का क्वेश्चन 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 क्या बोला हुआ है रे 90 नंबर के क्वेश्चन में? बोलो ना, डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट ऑन अ बिल ड्यू 6 month हेंस इज फोर एट 4% इज 160. क्या दिया हुआ है बताओ आप मुझे? बहुत घुमा फिरा के दिया हुआ है. हाँ, बैंकर गेन दिया हुआ है 160 रुपए. समझा क्या सारे लोगों को? श्रद्धेश चांडक, सुजाता ताई, समीर सोजरानी, गौरी बंग, निकिता करसाडे, हर्ष दामेदर, पुनीत अरोरा, बोलो रे समझ में आ रहा है क्या? सुमित मोल्डिया, मोहित पालीवाल, श्रेया गट्टानी. हाँ बैंकर गेन क्या बोला हुआ है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट ऑन बिल ड्यू 6 month हेंस इज 160. कैलकुलेट ट्रू डिस्काउंट, आपको बोला है ट्रू डिस्काउंट भी कैलकुलेट करो, बैंकर डिस्काउंट भी कैलकुलेट करो और अमाउंट ऑफ बिल भी कैलकुलेट करो. अच्छा, और क्या दिया हुआ है यहां पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम. पीरियड दिया हुआ है क्या? पीरियड देखो तो 6 month, कुछ बोला हुआ नहीं है. तो पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग और पीरियड ऑफ बिल सेम टू सेम है, ऐसा हम अज्यूम करते रहते हैं. हाँ या ना? श्रितिज कांबळे, श्रितिज कांबळे आवाज येतो का रे माझा? ए श्रितिज, श्रितिज कांबळे बात नहीं कर रहा है, नाराज है श्रितिज मेरे ऊपर. अच्छा मुझे बाकी कुछ भी नहीं समझ रहा. बैंकर गेन दिया हुआ है तो क्या बैंकर गेन का फार्मूला कुछ याद आ रहा है क्या आपको? क्या है बैंकर गेन? इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट. यस, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट यानी ट्रू डिस्काउंट इनटू नंबर ऑफ ईयर इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100. अभी बोलो ना सही है गलत है? सो ही है. तो बताओ फिर ट्रू डिस्काउंट यानी कितना आ रहा है? ट्रू डिस्काउंट मालूम नहीं, बैंकर गेन है दिया हुआ 160, ट्रू डिस्काउंट तो मालूम नहीं. ये 6 month है, 6 month को कैसा लिख दूं रे मैं? 6/12 ईयर यानी 1/2 ईयर, सही है ना? 1/2, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है. बे एक बे, बे दोनी चार. हाँ तीशा ताई बोलो रे समझ में आ रहा क्या? तनिष्का देशमुख, 160 इंटू 100 इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट इंटू 2. बे एक बे, बे आठी सोड़ा, याने ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 8,000 रुपए. सही है गलत है बोलो रे? 100% सही है. अब हमको क्या क्या निकालने के लिए बोला हुआ है? ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट दोनों निकालने के लिए बोला है, अमाउंट ऑफ बिल भी बोला है, ठीक है ना? निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. अब मुझे बैंकर डिस्काउंट जैसे ही बोला ना निकालने के लिए, तो मेरे दिमाग में खिचड़ी पक गई. आपके दिमाग में खिचड़ी पकी क्या? हाँ या ना बताओ? बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला क्या है? ट्रू डिस्काउंट प्लस बैंकर्स गेन, हाँ या ना? हाँ, ट्रू डिस्काउंट हमने अभी निकाला, बैंकर गेन क्वेश्चन में दिया हुआ था.
यानी बैंकर डिस्काउंट 8160 है या नहीं है? है, बिल्कुल है। ये हो गया बैंकर डिस्काउंट। अब आपको अमाउंट ऑफ बिल निकालने के लिए बोला हुआ है, तो आप ही बताओ फेस वैल्यू। बैंकर डिस्काउंट का एक और फार्मूला है हमारे पास में। बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 है कि नहीं है? अरे बोलो ना। बैंकर डिस्काउंट आपको मालूम है कितना है? 8160 फेस वैल्यू निकालने का है। नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना था रे? 1/2। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, ये भी क्वेश्चन में 4 सही है क्या? 4 ही था क्या? डिवाइडेड बाय 100। बे एक बे, बे दूनी 4 है ना। बे एक बे, बे चौक 8, बे आठी 16, 408 ही होगा ना। Therefore, face value of bill is equals to ये 408,000। काय? अच्छा, ओके ओके, ये ओके, सही बोला आपने। ठीक है, आ गया। मैंने 8160 था तो वो जीरो का मैंने जीरो लिखा ही नहीं, 816 का ही लिखा। ओके, तो अब बताओ जो जो निकालने के लिए बोला था सारा का सारा निकाल देते हैं। सांगा रे, काय काय काढायला सांगितलं होतं? हाँ, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर गेन और अमाउंट ऑफ बिल। तो देयरफॉर ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू कितना आया? ट्रू कितना? 8000। इसके बाद में क्या निकालने के लिए बोला था? बैंकर डिस्काउंट। आठ हजार एक सौ साठ। इसके बाद में अमाउंट ऑफ बिल। रुपीज 4 लाख 8000 हेच आमचं उत्तर। सही आहे गलत आहे? 100% सही है। अब एग्जाम्पल नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी डाउट है ना? हाँ चलो, लास्ट क्वेश्चन। बैंकर डिस्काउंट कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर इज 13.5 times ऑफ इट्स बैंकर गेन। देखो क्या बोला हुआ है, बहुत अंगार क्वेश्चन दिख रहा है ये मेरे को। बैंकर डिस्काउंट कितना है रे? 13.5 times बैंकर गेन, ऐसा ही बोला हुआ है ना क्वेश्चन में? हाँ ठीक है। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको बोला हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिएगा। चलो ठीक है, निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे सांगा, यू जस्ट टेल मी, ट्रू डिस्काउंट का क्या फार्मूला है? ट्रू डिस्काउंट का फार्मूला याद है क्या आपको? बैंकर डिस्काउंट माइनस बैंकर गेन यानी ट्रू डिस्काउंट, हाँ या ना? है ना। देयरफॉर ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू बैंकर डिस्काउंट यानी 13.5 बैंकर गेन माइनस बैंकर गेन। देयरफॉर ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 12.5 बैंकर गेन। सही है गलत है बोलो, है ना। ऐसा क्यों किया सर, खाज आई आपको ज्यादा? नहीं, दिस इज नॉट द मैटर ऑफ खाज, है ना। यहां 3-3 वेरिएबल दिए, बैंकर डिस्काउंट, बैंकर गेन, ट्रू डिस्काउंट, तो हमको पूरा क्वेश्चन किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। समझा कि नहीं समझा?
अरे बोलो ना। हाँ अब आप मुझे बताओ, ट्रू डिस्काउंट का फार्मूला क्या है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ट्रू डिस्काउंट? ट्रू डिस्काउंट का फार्मूला लो, नहीं ट्रू डिस्काउंट का नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं, बैंकर गेन का फार्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, यानी ट्रू डिस्काउंट इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय शंबर। सही लिखा क्या मैंने फार्मूला? बैंकर गेन को जैसा का वैसा रहने दो, कोई बात नहीं, इसको बैंकर गेन को जैसा का वैसा रहने दो। ट्रू डिस्काउंट को मैं 12.5 बैंकर गेन लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना? एन की वैल्यू दिया हुआ है क्या? एन की वैल्यू दिया हुआ है क्या रे? हाँ क्वेश्चन में दिया ही होगा, अगर नहीं दिया हुआ है ना तो निकल ही नहीं सकेंगे आंसर। एन की वैल्यू दिया हुआ रहना ही चाहिए। एन इज इक्वल्स टू 1 ईयर, ठीक है, एन की वैल्यू दिया हुआ है 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का है हमको, डिवाइडेड बाय शंभर। अरे सूरज ध्यान में आ रहा क्या? मस्त क्वेश्चन है, अंगार क्वेश्चन है, एक नंबर, जबरदस्त, टकाटक, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है। अब बैंकर गेन कैंसोल, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 100 इज इक्वल टू 12.5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, देयर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू शंबर डिवाइडेड बाय 12.5। बताओ रे कितना आ रहा? हाँ 8% पर एनम, यही है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। देयर फोर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्या हो गया, अपन ने एकदम ही फास्ट कर लिया, तो आपको आसान लग रहा होगा, बट ये आसान नहीं है। इसमें बस एक ही चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ये दो दो तीन तीन वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल में कंसीडर कन्वर्ट कर ले। हमने बैंकर गेन में कन्वर्ट किया, हो सकता है एक आधा बच्चा बैंकर डिस्काउंट में कन्वर्ट करे, हो सकता है एक आधा बच्चा ट्रू डिस्काउंट में कन्वर्ट करे, काय में भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ है ना। चलो अब आगे क्या बढ़ते हैं, इसी के साथ में हमारी क्लास खत्म। अब नया चैप्टर आज शुरू न करते हुए नया चैप्टर हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है? टाटा, बाय बाय, सी यू।